गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कोई ना कोई कहेगा आज मोना कुछ ज्यादा गोरी दिख रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि आज मैं नहा ली। सारा मेल गए हो। और ये सूखी भी गोरी लग रही होगी। हाँ, सूखी भी गोरी लग रही है ना। ये भी नहाई है, बाप रे। और जो बिना नहाई भी गोरा दिख रहा है वो कौन है पता है? कौन है पता है? वो कौन है? हाँ, कौन है? ये है वो। ओए। तो हम लोगों ने ना नहाने से पहले नाश्ता कर लिया था। वही हमारे यहाँ खुली मम्मी का नाश्ता हमारे यहाँ एकदम मुंह पे। मम्मी कह नाश्ता कर लो, तो हमने बोला क्यों नहीं। मैं इन लोगों को उठाती इसलिए हूँ, नाश्ता तैयार हो जाएगा। ये लोग उठते हैं, मैंने कहा उठो नाश्ता कर लो, उठ लो उठ लो। खाना बना के नहीं दूंगी। वो बैठे बैठे सो रहा है, गधा है वो। मेरा बाबू है। आजकल ज्यादा शांत नहीं रहते है टाइसन? तबियत तो सही है ना बाबू की? तबियत तो ठीक है। अच्छा, मम्मी देखो काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि मम्मी को पता चल गया हम लोग अभी ऊपर जाएंगे वीडियोस बनाने। आज तो भाई है वीडियोस अच्छी खासी हैं, तो बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया हमने, बहुत मस्ती कर ली। अब थोड़ी वीडियोस बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि नहीं अभी नहीं बताऊंगी यार, सस्पेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा। आप आगे के ब्लॉग में बने रहिए, फिर बताऊंगी। एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, पर क्यों नहीं अभी नहीं बताऊंगी, सस्पेंस क्रिएट कर देती हूँ। तो अभी आप जल्दी से बार बार सुखाऊंगी मैं और फिर ऊपर जाऊंगी वीडियोस बनाने। मम्मी ऊपर का क्या मौसम है? मौसम का क्या हाल? धूप निकली है? कितनी खुशी हो रही है मुझे। पता है वो जब हम गए थे ना वीडियोस बनाने, हवा हवा चली थी, मेरा भी गूड़ा जा रहा, बंचे आगे रबड़ उड़ गई, फिर फोन उड़ गया है कैरी, ढूंढना तो वही कुर्सी में मिला। तो चलो भाई आपको दिखा देती हूँ मौसम कैसा हो रहा है, मेरे को भी देखना है ना, क्योंकि वीडियो ना उसी हिसाब से बनती है जो मौसम होता है ना, उसी हिसाब से वीडियोस बनती है। ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा वो है। काम चल रहा है, ये देखो अच्छा है ना मौसम, काम चल रहा है बार बार। सूखी तैयार होगी तू या मेरे को जल्दी तैयार होना पड़ेगा? मेरे को जल्दी तैयार होना पड़ेगा वरना मेरे सर पे नाचेंगे कि हम तो तैयार हो गए, तू ही तैयार नहीं हुई वंशिका। अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, दो मिनट खेले और जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं बोल रही थी, जिद्दी बना तो करना ही है। जंगलियों की कमी नहीं है घर में। मोना की हालत देखो क्या है इसके बाद। नहीं, ये देखो हमारी वजह से पूरी छत खराब हो गई है। अपनी हालत दिखा, ये देखो ये ऐसे बन गई, ढोलकपुर का राजा ऐसे बन के घूम रही थी, फिर हमारी साइड वाली छत में से आंटी एक इसको देख के हंस रही थी और सामने कुछ काम भी कर रहे हैं मजदूर, वो भी इसको देख के हंस रही है। मुझे अभी तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी असलियत। हाई, एक तो वंशी का ये मोना सुबह से सड़ाई जा रही है, क्या खाया था मोना तूने? पूरी छत ना बदबूदार कर रखी है इसने। ये नहीं पता फिर से विवाद हो सकता है यहाँ पे। ये देखो मुंह देखो उसका, ये देखो। ये हम लोग की वीडियोस बन गई है। अभी हम तीनों फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं गप्पे मार के, और कुछ गप्पे भी मार रहे थे, रील देख रही थी बैठ के, हम तेरी बात कर रही थी बिल्कुल ही। अरे चुप बैठ, अभी कर तो रही थी। मैं और अंजी कहीं खेलने में लगे हुए थे बस। तू अच्छा खेलने में लगे तो खा रहे हैं बैठ के जब से। खा रही है, हुकुम चला रही है, पागल हो गई आज। मम्मी से पिटेगी आज, चिल्ला जा रही है। किसने काट लिया? अरे मच्छर काट गए यहाँ पे, पप्पी रही है मच्छर। इतना सुंदर जो है, सुबह से नहीं नहाया है ना, कपड़ा बदला है, कोई दे रहा है खरी, इतना छोटा नहीं लूंगी भिखारी से। इतना सारा दे दे रे बाबा रे दे दे गरीब दे दे, वो इतना सारा कैमरे के पास, वैसे ना एक देती है। अच्छा झूठ, इतना सा देगी एक, देती हूँ ठीक है ना। ये भी दे रही है क्या? अच्छा नहीं दे रही। मम्मी वहाँ पे देख रही है पापा के साथ टीवी और फिल्म देख रहे हैं ना शायद। हम लोग भी क्यों ना कुछ देखे, देखते रहते या फिर तुम गेम खेलोगे? या हम गेम खेलेंगे। पता है बहुत सारे लोग बोले थे तुमने बिजनेस वाला गेम खेल रहे थे ना, वो डाइस वाला, तो कह रहे थे कौन सा गेम है भाई? ये लोग जिसकी कमी है वाला गेम खेलते हैं दिमाग की। ओ, मतलब इन लोगों ने खेला नहीं किसी ने? किसी को तो पता होगा, किसी को कमेंट में लिख रहे थे कौन सा गेम है वो जो तुम पूरा बना लगा था ना ब्लू वाला गेम था और क्या। अच्छा उसमें पता है क्या क्या करते हैं लोग? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे गेम, पहली बता रही हूँ। मेरे को ऐसे वाले गेम, मेरे को गेम पसंद नहीं है। मैं आज मॉल गई थी तो वाले गेम, मेरे को वाले गेम पसंद है। हैं तो बालक को तो बालक ही तो पसंद होगा और क्या होगा? बालक है और क्या, इसको बोल मत दियो बहुत। ये बालक है तो भाई मैं तो टॉडलर हूँ। क्या ये क्या बोल रहा है आजकल के बच्चे? चल बकवास कम कर, मतलब होता है जो नहीं
अच्छा अच्छा अब ये अभी जो अंडे में से निकले वो बताएगी हमें कि क्या होता है, किसका मतलब। टॉडलर का मतलब होता है जो बच्चा, अरे अरे हग दिया, उस वाली एज को बोलते हैं टॉडलर। हैं वही छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी वाले को बोलता है टॉडलर। मेरे को लगा कि मेंढक के बच्चे का नाम है। जैसे बिल्कुल सीखना, जो अंडे से निकला होगा। ज्यादा पैसा खर्च करने वाले गेम चाहिए तुझे? हाँ हाँ हाँ, आप सही सोच रहे हो। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि घूमने जा रहे हो या फिर दिन में निकल रहे हो। हम ना बहुत बार दिन में निकलते हैं, ज्यादातर रात में ही निकलते, शाम में निकलते। तो आज सोचा कि हम पूरी फैमिली क्यों ना एक साथ फैमिली डिनर करके आए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें ऐसे हंसते खेलते, मतलब एक साथ टाइम स्पेंड करे हुए। तो सोचा आज हम साथ में जाके फैमिली डिनर करें। और ये आइडिया पापा का था। पापा ने जैसे बोला, हम लोग भाई क्यों ऐसा चांस क्यों गवाया हम लोग, है ना। तो मम्मी ने बोला भाई ठीक है पति दे, मैं तैयार होके आती हूँ। और ये देखो मम्मी ने आज नया नया अपना ट्रैक सूट पहना है, दिखा दो मैं ट्रैक सूट अपना। ये डिनर के लिए मैंने ट्रैक सूट, क्योंकि आसपास ही तो जा रहे हैं, दूर तो जा नहीं रहे। हाँ, और शूज देख लो मम्मी के, अरे वाह, जो हमने कभी नहीं पहने, मम्मी उनका पूरा इस्तेमाल कर दिया। मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। ना ना ना, सूखी यहाँ पे उठ गई है बहुत घंटों बाद, ये सो गई थी जब से सोई हुई थी। हाँ, जब मैंने पिछले, ये क्या है तेरे चेहरे पर, क्या हो गया? अरे वो लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगा ली इसको, लिपस्टिक है ऊपर से देख रहे निशान, वो सोने के ऐसे चद्दर से कुछ हो गया होगा ना, तकिए करके सो रही होगी वो। रही हमारी नई घड़ी, कितनी सुंदर लग रही है ना, सही है ब्लू कलर के लिए। वंशिका तैयार हो गई है, ये देखो वंशिका ने भी ट्रैक सूट पहना है, एकदम सब लोगों ने कंफर्टेबल पहना है, मैंने भी एकदम कंफर्टेबल पहना है। हाँ। पर खाने के लिए देखो, जैसे ही हम खा लेंगे थोड़ा पेट निकल, बाकी सब खाने के लिए ना थोड़ा ढीला, हाँ, पेट निकल जाता है ना, फिर टाइट हो जाता है, उधर कसरा वो अच्छा नहीं लगता। और टाइसन एलेक्सा को हम ही छोड़ने वाले हैं, उनके लिए अंडा मैंने उबाल दिया, रोटी मैंने बना दी, आके दूंगी, क्योंकि अभी जल्दी है, इतने जल्दी दूंगी तो फिर इनको रात को भूख लग सकती है ना, वैसे भूख लगती रहती है इनको, मोटूस को। तो चलो भाई खाना खिलाऊंगी, ठीक है। अरे अरे कैसे बात कर आया आजकल टाइसन, तो भाई टाइसन के साथ खेल नहीं पा रहे, टाइसन खेलेंगे मस्त एकदम है टाइसन, और टाइम नहीं मिलना, फटाफट टाइम निकालेंगे, इसी दिन टाइसन को आराम से खिलाएंगे। तो चलो भाई सब लोग तैयार हो गए, और पापा हो गए, पापा आप रेडी हो गए? अच्छा गाड़ी लेने गए, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी बस घूम ही रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी जगह जाए खाने के लिए, कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। तो ये भी था कि दिल्ली रात को भी एक्सप्लोर करनी है, इतनी रात को भी नहीं, 7 या 7:30 बजे है बस। तो हर जगह रोशनी है और हरी पीली लाल लाइट जल रही है, तो अच्छा लग रहा है। दिन में तो ऐसे ही रहता है, अभी रूखा सूखा नींद आती है बस मेरे को, पर अभी थोड़ा सही लग रहा है, और फैमिली के साथ है तो और भी मजा आ रहा है। तो सोना क्या आइडिया, तो क्या इरादा है कि क्या खाना, चाइनीज साउथ इंडियन? चाइनीज वंशिका और मैं जब से ये प्लान बना रहे हैं, खाना फूसी कर रहे हैं, मम्मी बोल रही है क्या कर रहे हो यार, वाह क्या आइडिया दिया वंशिका ने, यही बोला बहुत दिमागदार हो रहा है सोना, कह रही है अलग मंगवाएंगे फिर सब खाएंगे। ये कान जब से गाड़ी में बैठे कान में फुसफुसा रहे हैं, मैं और मोना मुझे पता है, मम्मी पता क्या खाने वाली है, वही जाना पनीर की सब्जी खाने वाली हूँ। मैं तो इंडियन खाना ही खाऊंगी, इंडियन खाना ही खाऊंगी, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं वहाँ चल के, क्या पता हमारा भी मूड बदल जाए। संजय चुरचुरान, मम्मी पापा ने ये कब किया बता रही, मुझे भी नहीं पता, पापा से पूछ। पापा ये कब हुआ पापा? ये हंसी देखो भाई, अपने नाम का होटल खुल जाए तो मजा ही आ जाए। संजू भाई मुझे तो लगा था पापा चाउमीन मोमोज की खोलेंगे, चुर चुर नान बेच रहे हो आप तुम तो। भाई पंजाबी है। आ, पंजाबी हाँ पराठे ही खुलेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, हम लोग हैं लाजपत नगर में। तो हमने सोचा क्यों ना अभी खाने का ही टाइम है, तो कुछ खाना जैसा खाए। तो हम लोग आए हैं, वो देख रहे हो बीकानेर, क्योंकि हम लोग खाते ही रहते हैं वैसे हल्दीराम का इन सब का, तो सोचा कि आज बीकानेर पे चले।
क्योंकि वहीं पे हमारे टाइप का खाना मिलता है, मम्मी पापा टाइप का, मम्मी पापा टाइप का। और क्या चाट वाट ये सब मिलेगा वहाँ पे, डोसा वही तो होता है। क्या लेना है मैंने सोच रखा है, कुछ ना कुछ तो हो गया ऐसा। हम लोग अलग अलग ऑर्डर करेंगे, अलग अलग ऑर्डर करना ताकि हम सब में खा सके, सब में से खा सके, जिससे ज्यादा क्वांटिटी। हम लोगों ने प्लान बना लिया है क्या किसको लेना है, हाँ मेन्यू में जाके क्या पता किसी का मन बदल जाए, मन मत बदलना, मैं उनको खेड़ा करके रखना, ठीक है? नहीं मैं नहीं खेड़ा कर सकती। तो चलो भाई चलते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। हम लोगों ने मेन्यू देखकर ऑर्डर कर लिया है और मैं तो सबसे अलग निकली, पर ये दोनों, इन दोनों ने सेम कराया ऑर्डर। हमारी क्या थी पानी दे, हमारी क्या थी स्ट्रेटेजी कि हम अलग अलग मंगवाएंगे और सब, पर तुम दोनों ने सेम क्यों मंगवाया? नहीं देखो जो दूसरा पिज्जा था, दूसरा पिज्जा था उसमें मेरे को पिज्जा खाना था, उसमें ना जो तीसरा पिज्जा था उसमें तो बीकानेर में तीन चार ऑप्शन है बस उसके पिज्जा के, एक थिंक क्रस्ट था पतला वाला पिज्जा था, वो सोना को नहीं लेना था मुझे, थिंक क्रस्ट पसंद नहीं। अच्छा वो पतली वाली लेयर वाला पसंद नहीं है। और मैं दूसरा लेती लेकिन उसमें टोमेटो था, इस टोमेटो तो इसलिए है लेकिन उसमें कॉर्न है तो। अच्छा ठीक है ठीक है, मम्मी गई थाली के ऑप्शन में, ये रहा मैंने ये वाली थाली थाली, और मैंने ये मंगवाया है फ्राइड राइस चाउमीन चिली पनीर मंचूरियन हाँ ना वही है ना, वही है वही है, चाउमीन प्लस मंचूरियन ही मंगवाया। हाँ मैंने ये मंगवाया, समझ गए ना तुम लोग। और यहाँ की वाइब तो बहुत अच्छी है ना, पूरा खा लिया। नहीं नहीं यहाँ की वाइब बस मैंने सही कर गया। ओ ओ बाकी खाना कैसा है? खाना तो मैंने डोसा के अलावा कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने चाउमीन खाई थी, मैंने चाउमीन खाई थी, तुम लोगों ने डोसा खाया था दादी के साथ, बहुत अच्छे थे, जो खत्म नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने ड्रिंक ली थी ना बादाम का, क्या था उसका नाम पता नहीं, बादाम से है ना, मुझे चाहिए पापा से बोलो ना, तो बाद में बहुत टेस्टी था वो, पता नहीं क्या था मेरे को याद ही नहीं आ रहा, दादी को अच्छे से याद होगा, दादी आई थी हमारे साथ, दादी के बहुत पसंद आए थे यहाँ का। हाँ तो चलो भाई जैसे ही खाना आता है बताते हैं कि टेस्ट कैसा है भाई। सबसे पहले मम्मी का आया है और पापा का आया भाई साहब, और सोना नजर मार रही है, देखो कितनी गंदी वाली है, हट दूर है, मेरे को लग रहा है पेट में दर्द तो नहीं होगा। खाओ खाओ टेस्ट बताओ क्या है, दाल मखनी पिज्जा खाऊंगी मैं तो, पिज्जा अरे चल चल तेरा पिज्जा। रोटी तो क्रिस्पी लग रही है, पापा की यहाँ तक आवाज आ रही है रोटी तोड़ने की। सोना का रिएक्शन देखता है, इतना सुखीला रिएक्शन, रूखा सूखा, रूखा सूखा। पनीर वाली सब्जी खाओ, पनीर वाली सब्जी खा के बताओ। बंशिया कह रही थी यही तो मैं चाहती थी, चढ़गी भाई चढ़गी, क्या मतलब है बंशिया कह रही, मैं तो मेरा आने का इंतजार कर रही हूँ, मेरे को क्या। ओह मेरा भी आ गया देखो, ये एक और थाली आ गई, और ये रहा मेरा, ये देखो फिर टेस्टी लग रहा है। ओह माय गॉड बंशिका क्वांटिटी कम है ना, है ना मम्मी, क्वांटिटी कम क्यों है, भर के देना चाहिए था, भर के ये पापा के ताने कभी खत्म नहीं होने वाले, मेरा खत्म हो गया है, मम्मी का खत्म होने वाला है, पापा खत्म हो गया है, यहाँ आराम से बैठे हैं, पर हमारे भाई साहब का, अरे किसने बोला था क्या, अच्छा अच्छा इसका पिज्जा नहीं आया अभी तो, बंशे का कभी नहीं आया, हमारा खाना खत्म हो गया और ये लोगों ने हमें घूरा है भाई। सोना है, सोना के काम में ऐसा नहीं होगा तो किसके काम में होगा ना, वंशी का भी था मेरे पे नाम ना आ रहा है, वंशी का तो बह गई तेरे बातों का। सोना टेस्टी था मेरा वाला, पता है बहुत ही ज्यादा मैंने खाया, तेरे से ज्यादा होगा। ओह जब से बैठ के ना पानी पी रहे हैं, इतना वेट कर रहा है कि अच्छा ही निकलेगा। अच्छा अरे अरे पापा नहीं गिरा वगैरह, जोमेटो से मंगवाया लगता है इन्होंने, गिरा हम चले जाना बीकानेर में। यस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बुराई करने का, वहीं पे बैठ के उनकी ब्रांच। इंतजार खत्म होता है और सोना का फेस देखो, अरे वाह
बढ़िया लग रहा है ना, दिखने में तो बढ़िया है। ये देखो वंशिका ने भाई ऑरिगेनो डालना स्टार्ट कर दिया है। मुझे टेस्ट पता लगाना है कि टेस्ट में कैसा है इन दोनों से। वंशिका लगता है पहले खाएगी क्योंकि उसने ऑरिगेनो डाल दिया है। कौन है? दोनों ही एकदम सस्पेंस में लगे हुए भाई। अरे 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 वाह, चीज फूल दिख गया हमें तो। हाँ खा जल्दी खा जल्दी। ओ ओ ओ भाई भाई, अच्छा तो है। अच्छा मतलब तुझे लग तो रहा है गिर जाएगा। तो हम आ गए हैं वापस कार में और किसी ने हमारे कार के सामने यहाँ पे देखो गाड़ी लगा दी और हम लोग यहाँ पे फंसे रह गए हैं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, जो भी इस कार का मालिक है। और ओवरऑल यार पिज्जा टेस्टी था क्योंकि उन्होंने बाहर से मंगवाया था। समझ रहे हो? हाँ, हमारे सामने खुद वो लेकर आया ना ये लोग ने, जोमेटो से मंगाया मेरे ख्याल से। समझ रहे हो ना, टेस्टी था, इतना बड़ा चीज पुल था उसमें, ओनली टेस्ट मैटर। मैंने और चाहे अपनी ऐसी शक्ल बना के इनसे ले, चाहे जोमेटो का क्यों ना हो, पर उसमें चीज फुल था, वो गरम था। हाँ गरम था, अच्छा था, मैंने खाया और मेरी चाउमीन भी अच्छी थी। हमारे जो थाली थी ना वो नॉर्मल थी, वो ओके था। मतलब हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं ना, उस हिसाब से ना थोड़ा स्पाइसी था। पर एक बात थी, अगर तुम पैसे भर रहे हो तो तुम्हें वैसा घर का खाना थोड़ी खाना है, तुम्हें तो अच्छा खाना है ना। और तो वैसा एक्सपेक्ट करते हो, पर वैसा नहीं था मम्मी का। जैसे थाली हमने हल्दी राम में खाई थी, पापा ने, इतनी टेस्टी थी। उसमें रायता था, पापड़ था, उसमें ज्यादा ऑप्शन थे, ऑप्शन ज्यादा थे, सेम प्राइस था। उसमें ऑप्शन ज्यादा था कि उसमें रायता भी था, पापड़ था और मिक्स वेज सब्जी भी थी। इसमें बस दो ही था, इसमें सिर्फ दो ही था और पापड़ भी नहीं था। तो कुल मिला के रायता नहीं था, कुल मिला के हल्दीराम। बीकानेर से मैं सजेस्ट करूंगी हल्दीराम पे खाओ। पर मैंने तो नहीं रहना चाहती क्योंकि पिज्जा टेस्टी था। एंड बीकानेर पे मोमोज भी है, हल्दीराम पे मोमोज नहीं है। माइनस पॉइंट। कुछ चीजें वहाँ की अच्छी है, कुछ चीजें यहाँ की अच्छी है। कुल मिला डोसा यहाँ का अच्छा ना। डोसा तो भाई हल्दीराम से अच्छा बीकानेर के। हल्दीराम का थोड़ा हमने खाया है, घी की ना महक आ जाती है एकदम से, दूर से ही डोसे के अंदर घी से जो डोसा। अरे यार ये गाड़ी के मालिक कहाँ गए? फूड ब्लॉगर नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी के मालिक कहाँ गए पता नहीं आ रहा। ये लोग किस सेंस ऑफ ह्यूमर से लगाई है? ये भी बीकानेर में खाना खा रहा होगा और हम यहाँ आ गए। गए थे हम घर तो पहुंच गए पर मम्मी और मोना पागल हो चुके हैं, मुझे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और मैं सीढ़ी चढ़ कर आई हूँ और खुद पता नहीं कहाँ नीचे चले गए, सबसे नीचे चले गए और मुझे ऊपर छोड़ दिया। देखते हैं आप कब आते हैं वो ऊपर। ये पागल बन गई है मुझे। मजा आया। क्या बताया तुमने? बता दिया मैंने, ठीक है ना? क्या हमने ये मैंने किया था, ये ना मस्ती कर रही थी, फिर हमने क्या उसको थर्ड फ्लोर में ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया मैंने और मोना ने जबरदस्ती। फिर हम लोग फिर दोबारा पार्किंग में गए, चाबी हमारे पास था। बेचारी क्यूटी पाई जैसे को तैसे। और क्या, अब मेरे टाइला इंतजार कर रहे होंगे ना, उसके बाद मस्ती मत करियो, मस्ती मत करियो ना, निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या है मोना ने उठा के फेंक दिया था क्यूट। ओहो रिएक्शन टाइसन एलेक्सा मेरे। अरे बल्ले बल्ले टाइला खुश हो गए। ओए हाय खुश चम खुश, खुश चम खुश। अच्छा वो देखो सबके पास जा रहे हो टाइसन। इसको अपनी तरफ बुलाने के लिए ये हरकतें करना पड़ रहा है। प्यार क्या करो इसको भी। आ जा, कहाँ जा रहे हो बाबू? कहाँ जा रहे हो बदबू आई? आज के बाद सीख मिली ना? आज सीख मिली कि नहीं मिली तुझे बता? नहीं कुछ ना मिला सीख। इतनी हरकतें कर रही, सारे फ्लोर के बटन दबा दिए, हमने भी निकाल के बाहर फेंक दिया। मोना ने यू करके पकड़ा। अरे मेरा क्यों कर रही हो? मजा आया। चलो भाई एकदम मुंह धोके फ्रेश हो गया हम लोग, बहुत ज्यादा थक गए हैं घूम घूम के, क्योंकि हम लोग खाना खाने से पहले ऐसे घूम रहे थे ताकि टाइम कट जाए। 7:30 बजे तो निकले थे, अभी इतनी देर भूख नहीं लगी थी हमको, थोड़ा घूम रहे थे। तो मेरा तो गाड़ी में वैसी हालत खराब रहती है,
वैसे ही मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो गया था सुबह से काम करने की वजह से, मतलब वीडियो बनाने की वजह से, और बेचारी सोना मुंह धोकर आई थी, उसकी आंखों में वो चला गया साबुन, आंखें मल रही थी। अब क्या कर रही है? सूट में सोई। हाँ। है? सूट में सोई और क्या, क्यों टॉप खत्म हो गए? मेरी मर्जी, तुझे क्या? अच्छा भाई, इसकी मर्जी, ठीक है। आलस आ रहा है बदलने में, मेरी बात तो क्या, ऐसा आलस तो कभी नहीं आया मेरे को। क्या हुआ, क्या शिकायत कर रहे हो? नहीं आया, नहीं है, वो सूट में सो रही हो, आलस आ रहे हो ऐसे कपड़े पहनने में हल्के वाले। आपने फटाक से मेरा नाइट सूट डाल दिया तो पहना तो आलस थोड़ना है। अच्छा, और पापा देखो वो ले आए थे सब्जी, कल के लिए सब्जी नहीं थी, क्या बनाती है मम्मी? मैंने बोला था प्याज लहसुन लेके आना, तो अभी प्याज लहसुन लेके आए। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, हम लोगों ने खूब बातें करी और साथ में डिनर करा, वो तो बहुत अच्छी बात थी। मतलब बाहर जाके वैसे साथ ही करते हैं हम, घर पे भी मंशी को पढ़ रही है, उसका कल पेपर है और हम लोग उसे जबरदस्ती घुमाने ले गए थे। कह रही थी नहीं मेरा पेपर है, 12 चैप्टर है सारे, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, फिर भी हम उसे ले गए। अब यहाँ पे आके पछता रही है कि मैं क्यों गई। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।